तो गाइस हमने एक्सप्लोर कर लिया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को और आपको पसंद आया होगा हमारा ये व्लॉग। तो गाइस अभी हम चल पड़े हैं वापसी दिल्ली की ओर और हमने एक्सप्लोर किया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है और यहाँ पे हमने अपनी बाइक पार्क करी थी। आजा, ओके जी। हम चल पड़े हैं अब दिल्ली को, दिल्ली का रा सफ़र शुरू हो चुका है। अमित भाई जाएंगे चंडीगढ़, हम जाएंगे दिल्ली। ये देखिए पूरा स्टैचू, फुल स्टैचू। ये रास्ता जाता है राजपिपला को, यहीं से तो आए थे हम। ये पूरा रास्ता राजपिपला को जाता है और ये अभी नया बनाया है, पहले नहीं था। ये पूरी लाइटिंग होती है इसमें। ये केवाड़िया 4 किलोमीटर है, बड़ोदरा 87। हमारा पेट्रोल लगभग ख़त्म हो चुका है और जब हम चले थे यूनिटी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से तो बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं था। तो थैंक गॉड पहुंच गए हम सही समय पे, वरना धक्का लगाना पड़ता। अभी बाइक में डलवाएंगे पेट्रोल, फुल करवाएंगे और फिर निकलेंगे दिल्ली की ओर। नॉन स्टॉप दिल्ली जाएंगे, नॉन स्टॉप। हाँ, 1000 किलोमीटर तय करना है आज हमने। गाइस अभी हम हैं होटल तिरुपति और समय हो गया है लगभग पूरे 5 बज चुके हैं और हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया है क्योंकि आज रात को राइड करने का पूरा इरादा है और अभी भी 16 आवर की राइड दिखा रहा है गूगल भाई और मोर देन 900 किलोमीटर का ये हमारी थाली आ गई है। पानी होता है, पंजाबी थाली खा रहे हैं और इसके बाद तो भाई खाना मुश्किल है, कहीं नहीं खाना, सिर्फ चलना है। अभी तक तो रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत ही रश है और टोल रोड होने के बावजूद बहुत रश है। अहमदाबाद वाला रोड बहुत अच्छा हाईवे है वो, लेकिन 8 लेन है वो, ये 4 लेन है मगर बहुत बुरा हाल है। चलो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, आज अपडेट करते रहेंगे आपको साथ साथ। तो हम निकल पड़े हैं होटल तिरुपति से, मोर देन हाफ एन आवर हमने यहाँ पे स्पेंड किया और मैं तो प्रॉपर खाना खाया है 5 बजे ही। रात को अगर राइड करनी है तो अवॉइड करूँगा रात को खाने के लिए, नींद आएगी नहीं तो। खाना अच्छा था तिरुपति का, अगर आप इस तरफ आएँ तो। श्यामलाल जी 142, अभी भी उदयपुर का जो डिस्टेंस है 5.5 घंटे का है। तो गाइस गोधरा में सनसेट हो रहा है, ये देखिए आप। आज सनराइज मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया लेकिन ये सनसेट गुजरात राइड 2020 का ये सूर्यास्त हो रहा है मेरे सामने, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है गोधरा, यहाँ से 5 किलोमीटर श्यामलाल जी 123। ये देखिए ब्यूटीफुल सनसेट। गाइस हम हैं श्यामला जी गुजरात में और यहाँ से जो राजस्थान का बॉर्डर सिर्फ 20 किलोमीटर दूर रह गया है और अब राजस्थान में एंटर करने वाले हैं, उसके बाद हम उदयपुर पहुँच जाएंगे। उदयपुर भी मोर देन 140 किलोमीटर है अभी यहाँ से, तो उदयपुर में जाके अब नेक्स्ट हॉल्ट, नेक्स्ट जो ब्रेक लेंगे हम। और यहाँ पे हमने पेट्रोल डलवा लिया है, 3 पॉइंट थे लेकिन ड्यू टू राजस्थान में पेट्रोल का रेट यहाँ गुजरात से तकरीबन 10 रुपए महंगा है पर लीटर,
इस वजह से हमने पहले ही पेट्रोल डलवा लिया है। अब हम चलते हैं आगे। तो गाइस ये है उदयपुर, हम पहुंच गए हैं उदयपुर और समय पूरे 9 बज चुके हैं। अब कहीं थोड़ा रेस्ट करेंगे क्योंकि 162 किलोमीटर नॉनस्टॉप चलाई है। जहाँ से हमने फ्यूल लिया था गुजरात से, वहाँ से कंटिन्यू नॉनस्टॉप चलाई है बाइक अपनी। और रोड की तो हालत मैं बता नहीं सकता, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है। दो साल से तो कंस्ट्रक्शन मेरे सामने ही हो रही थी। जब 2018 में इस रोड से गया था तब भी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, आज भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। और ये उदयपुर है, लगता है कि कर्फ्यू लग गया है। आजकल सिटीज़ में कर्फ्यू लग रहा है जिसकी वजह से लोग घरों में ही रहते हैं। और इस समय नहीं तो बहुत बुरा हाल होता, बहुत भीड़ होती है यहाँ भी। अब थोड़ा चाय पानी पियेंगे, थोड़ा आँखें खोलेंगे और वाइजर शीशा बहुत गंदा हो गया उसको साफ करेंगे, अंगड़ाइयाँ लेंगे, फिर चलेंगे आगे। तो गाइस रात के 10:30 बज चुके हैं और देखिए हमने चेन लूप किया क्योंकि मोर देन 500 किलोमीटर हमारी बाइक चल चुकी है। कल हमने की थी चेन लूप, उसके बाद लगभग 600-650 किलोमीटर चल चुकी है और अभी भी 650 किलोमीटर जाना है, तो चेन लूप बहुत ज़रूरी था। और ये सेंटर स्टैंड देखिए हमारा किस काम आ रहा है, कितने बढ़िया काम आ रहा है। सेंटर स्टैंड ना हो तो बहुत दिक्कत हो जाए। हमने 5-6 बार जब चेन लूप किया और ये अमित भाई भी कर रहे हैं, ये देखिए सामने चेन लूप। तो गाइस अभी हम निकल रहे हैं दिल्ली को, मैं निकल रहा हूँ दिल्ली को, पता नहीं अपना अमित भाई बीच में कहीं रुकते हैं नहीं रुकते। तो 10:30 बज चुके हैं और 650 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, ट्राई करेंगे दिल्ली पहुँचने, नहीं पहुँचे तो बीच में कहीं रुक जाएंगे। तो गाइस दिल्ली है 652 जयपुर 388। हम दिल्ली वाले रूट पे आ गए हैं, उदयपुर से लगभग निकल गए हैं। तो गाइस ये है उदयपुर वाली टनल। 8:30 बजे आज हमने राजपिपला से अपनी राइड शुरू कर दी थी और पहले 27 किलोमीटर आई थिंक 27 किलोमीटर है राजपिपला से जो स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो हम वहाँ गए थे। और उसके बाद वहाँ से हम 1 बजे निकले थे स्टैचू ऑफ यूनिटी से अपना दिल्ली के लिए। तो अभी उदयपुर हम पहुँच गए हैं 9 बजे, तो 8 घंटे में उदयपुर हमने लगाया है। तो गाइस ये है किशनगढ़ का टोल। कमर टूट चुकी है, कंधे में दर्द शुरू हो चुका है, बाकी तो सब ठीक ठाक है। नींद की हल्की हल्की झपकियाँ आ रही है, नींद की हल्की हल्की झपकियाँ आ रही है। तो अभी मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था, कॉफ़ी ब्रेक, ब्लैक कॉफ़ी पी है मैंने, नींद काफ़ी आ रही थी। तो अभी हम चल रहे हैं, अब हम चल पड़े हैं अपने सफ़र, दिल्ली के सफ़र पे। तो हम जा रहे हैं दिल्ली, नॉन स्टॉप दिल्ली, जो कि है स्टैचू ऑफ यूनिटी से दिल्ली नॉन स्टॉप। ये है जयपुर का आखिरी टोल और इसके बाद हम जयपुर से बाहर निकल जाएंगे। और इस समय मेरे को बहुत तगड़ी नींद आ रही है और जो समय हुआ है 4:44 हो गए हैं। और ये सुबह की नींद बड़ी ख़तरनाक होती है। छोटा सा ब्रेक लिया है, एक तो गर्दन में भी बड़ा पंगा हो रहा है, दर्द हो रहा है गर्दन में। और अभी भी कम से कम 3-4 घंटे की राइड हो रहा है।
क्योंकि कंसंट्रेशन हो नहीं रही। जयपुर तक तो बिल्कुल सही आए हैं, अब ज़्यादा दिक्कत हो रही है। चलो अगर फिर भी नींद आए तो मैं तो रुक जाऊंगा, रुक रुक के चलूंगा फिर मैं, चाहे एक घंटा लेट से पहुँचूँ लेकिन सही ठीक ठाक पहुँचना चाहिए। तो चलते हैं अभी। जयपुर से आगे ये पेट्रोल पंप था जहाँ पे मैंने अभी पेट्रोल भरवाया है 1000 रुपये का पूरे 11 लीटर, क्योंकि बिल्कुल ख़त्म हो चुका था पेट्रोल, आखिरी पॉइंट भी ख़त्म हो गया था और डर लग रहा था कहीं पेट्रोल पंप खुले ना हो। तो बाईपास रोड आने वाला है जयपुर वाला, जो बाईपास एट लास्ट गाइस हम पहुंच गए हैं मानेसर टोल पे। तो ये है मानेसर का टोल जिसको हम क्रॉस कर रहे हैं। तो कल से जो राइड शुरू हुई पड़ी है, गलत लाइन में आगे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम मानेसर। तो गाइस मैं मानेसर पहुंच चुका हूं और समय हुआ है 8:10। कल मैं चला था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 1:15 पे। कंटिन्यू राइड चल रही है मेरी कल दोपहर से और लगभग 19 घंटे हो चुके हैं मुझे राइड करते हुए, और घर पहुंचते पहुंचते पूरे 20 घंटे हो जाएंगे। मेरी गुजरात राइड 2020 आज ख़त्म होती है, आज फिनिश होती है। इसमें मैंने बहुत से प्लेसेस एक्सप्लोर किए इन 8 दिनों में, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अमेजिंग फीलिंग थी। तो गाइज आपको ये ब्लॉग कैसे लगे प्लीज़ एक कमेंट जरूर करना। और मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से दिल्ली पहुंचने में टोटल 20 आवर लगे और पूरी जर्नी मैंने इस ब्लॉग में आपको दिखा दी है। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए, और कोई भी आपकी क्वारी हो किसी भी बारे में, डेस्टिनेशन के बारे में आपको क्वारी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस एटलास राइड हार्ड राइड सेफ, वंदे मातरम एंड जय हिंद।